लेकिन केंद्र सरकार जो एक तरफ अड़ी हुई थी कि किसी भी सूरत में इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन आज ये प्रधानमंत्री ने खुद ने सामने आके कहा है कि ये कृषि कानून किसानों के हित को देखते हुए वापस लिया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? कृषि के जो तीन कानून थे, निश्चित रूप से ये किसानों के हित के कानून थे और देश के किसानों को आज़ादी देने वाले कानून थे, और किसान अपनी फसल को मनचाहे स्थान पर मनचाहे रेट के ऊपर वो बेच सके, इस दृष्टि से ये कानून लाए गए थे। और ये किसानों की लंबे समय से मांग थी। कई बार किसान यूनियन के नेताओं ने भी कहा, देश के अंदर जैसा कई एक्सपर्टीज लोग थे, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि ये कानून लाने की आवश्यकता है। और पूर्व में भी सरकारें रही, इन्होंने भी इन कानूनों को लाने का प्रयास किया था, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अब देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि बड़ा दिल रखते हुए और देश हित को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है कि कानून को वापस लिया जाएगा, और मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य निर्णय है प्रधानमंत्री जी का। और आने वाले वक्त के अंदर निश्चित रूप से किसानों के हित की योजनाएं और बनाई जाएगी। जैसा कि पहले भी आप और हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक किसान की इनकम डबल करना है। इस दृष्टि से कई योजनाएं आज भी चल रही है, जिससे कि किसान सम्मान निधि के तौर पर 2000 रुपये देना, कृषि का बजट को बढ़ाना। आज कृषि का बजट जो पहले सिर्फ 23,000 करोड़ रुपये होता था 2013 से पहले, आज 1,23,000 करोड़ से अधिक है। तो ये कृषि का बजट बनाना हो, या 10,000 FPO बनाने का विषय हो, या MSP को 1.5 गुना करने का विषय हो, इस दृष्टि से लगातार प्रयास किए गए। और उद्देश्य एक ही प्रधानमंत्री जी का, कि आने वाले वक्त के अंदर देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाना और देश के किसान की इनकम को बढ़ाना, इस दृष्टि से ही ये कानून लाए गए थे। लेकिन कुछ किसान जो इन कानूनों को मानने से इनकार उन्होंने कर दिया था, और इसको लेकर जैसा कि देश में विरोध हुआ और कुछ जगह पर जैसा कि विरोध हुआ, और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि आज के संबोधन में भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसान असंतुष्ट हो, और आज प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है। और मुझे लगता है कि अब आने वाले वक्त के अंदर जो MSP का विषय तो या अन्य विषयों को लेकर भी एक कमेटी का गठन होगा, प्रगठन होने के बाद में आगे का जो किसानों के लिए कानून बनेंगे और या जो काम होगा तो आगे बढ़ेगा। सर, अभी भी किसान उसी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक संसद में इस बिल को पारित नहीं किया जाएगा तब तक वो अपने धरने से नहीं हटेंगे, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? ऐसा है कि जब देश के प्रधानमंत्री या MSP को 1.5 गुना करने का विषय हो, इस दृष्टि से लगातार प्रयास किए गए, और उद्देश्य एक ही प्रधानमंत्री जी का, कि आने वाले वक्त के अंदर देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाना और देश के किसान की इनकम को बढ़ाना, इस दृष्टि से ही ये कानून लाए गए थे। लेकिन कुछ किसान जो इन कानूनों को मानने से इनकार उन्होंने कर दिया था, और इसको लेकर जैसा कि देश में विरोध हुआ और कुछ जगह पर जैसा कि विरोध हुआ, और प्रधानमंत्री जी ने जैसा कि आज के संबोधन में भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसान असंतुष्ट हो, और आज प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है, और मुझे लगता है कि अब आने वाले वक्त के अंदर जो MSP का विषय तो या अन्य विषयों को लेकर भी एक कमेटी का गठन होगा, प्रगठन होने के बाद में आगे का जो किसानों के लिए कानून बनेंगे और या जो काम होगा तो आगे बढ़ेगा। सर, अभी भी किसान उसी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक संसद में इस बिल को पारित नहीं किया जाएगा तब तक वो अपने धरने से नहीं हटेंगे, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? ऐसा है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर कह देते हैं, उसके बाद में कोई विषय बच नहीं जाता। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि संसद के अंदर इन कानूनों को वापस लिया जाएगा, और इसलिए मैं तो यूनियन नेताओं से ये भी यही कहूँगा कि अब अपने घरों को लौटना चाहिए। किसान हैं तो वो जो है वो भी गांव अपने खेत में काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि अब इस बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि इस कानून को, कि इस आंदोलन को और लंबा। सर, आपने एक बयान जारी किया था जिसमें ये आया था कि अगर कृषि कानून किसी भी सूरत में नहीं हटेगा, अगर हट गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि इस कानूनों में जैसा कि विपक्ष ने कहा था कि जमीन चली जाएगी, और उस कानून के प्रावधान में ऐसा जैसा कि उन्होंने कहा, लेकिन मैंने संसद में कहा था
कि इस कानून के अंदर जमीन जाने से संबंधित एक भी अगर प्रावधान हो तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूं और हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूं। लेकिन वो विपक्ष बता नहीं पाए कि इस कानून में जमीन जाने से संबंधित कोई शब्द था, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी का निर्णय है कि जो कुछ किसान यूनियन के नेता जो इसका विरोध कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में जो कमेटी बनेगी, कमेटी के अंदर जो भी और भी राजनीतिक दल भी होंगे और किसान भी उसके अंदर होंगे और फिर आगे काम बढ़ाया जाएगा। ये ज़रूर है कि इन कानूनों से किसान का कल्याण होने वाला था, आगे ये इतने समय से लंबित